You guys thank you very much for having patience but i tried to resolve the problem let's see how much we have i have resolved it am i audible yes yes sir. you're hmm. okay great so a, do you guys have any other uh, request to make uh, in the instance of uh, you having the wristwatch with you, which you want me to analyze because uh, Thursday we had a similar kind of... Uh, sir, I have sent... You have sent on uh, may I know the last two digits of the number on which you have sent? Uh, sir, I have sent it on this group only. Okay, okay. That is the group. Okay, I got it. What is the name? Master Master Rich West. किरण किरण जयसवाल किरण ओके वन सर okay, ओके okay, किरण जी आपका तनु बारबर का आया हुआ है गीति का का आया हुआ है किरण जयसवाल का भी आया हुआ है ओके आई हैव योर वॉच विद मी ऑसम ग्रेट आपका वॉच है अच्छा हम्म जी ये आपका वॉच जो है दोनों वॉच में एक चीज बहुत कॉमन है वो है आप हुँ. बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप को अपने काम को जो आप एफर्ट्स लेते हो मेंटेन करने के लिए संभालने के लिए काबिल तारीफ है आप लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट okay. बना के लेके जाओगे आप उनको जो पसंद है उनका पसंद और नापसंद का ख्याल रखोगे यू विल लॉट ऑफ यू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स की अदर पर्सन शुड फील

तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनसे कनेक्टेड रह के मे बी कुछ और नॉलेज गेन कर पाऊँ या मे बी आई फील गुड अबाउट इट यू नो सर आई फील कि हाँ somebody is there to protect me वेरी नाइस nice. अह uh, बहुत ही ज्यादा ये sir, है सर मतलब, ये वॉच हां दिस पीस को है मैं बोला इसमें बहुत ही ज्यादा अह uh... आपका जो एफर्ट्स दिखता है उसके साथ साथ ये भी दिखता है कि जो भी लोग हैं वो सभी के सभी अच्छे लोग आपके आपके लाइफ में आते हैं वो एक अच्छी बात है बहुत ज्यादा इमोशनलनेस दिखता है और जिन जिन लोगों के साथ आप uh, संबंध रखते हो जिन जिन चीजों को आप करते हो उन सब चीजों को आप बहुत ज्यादा लेवल पे प्रोटेक्ट करते हो बहुत ज्यादा लेवल पे प्रोटेक्ट करते हो मतलब यू डोंट इजिली अलाउ पीपल टू डिस्टर्ब यू फॉर दैट यू डोंट गेट

हाँ मैं डिस्टेंस अक्सर बना रखती हूँ और हाँ आई टेन टू री थिंक कि ये करना ठीक है नहीं करना ठीक है आई I मीन mean, हाँ ये थॉट प्रोसेस बहुत चलता है सर करेक्ट वो बहुत सोच समझ के आप कभी भी निर्णय लोगे आप बहुत प्रिकॉशन लेते हो किसी को भी किसी को इजीली मिलने नहीं देते हो यू मेक श्योर कि एवरीबडी हैज टू बी जेन्यून अगर आप इससे मिलना है

कि okay, आपको न, आपकी लाइफ में जो चैलेंज आपको जाएगा वो आएगा एफर्ट्स के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं आएगा okay, आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स देते हो आपको रिजल्ट अच्छी है, बुरे नहीं। ट्रू। आप पर उतने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं आएंगे आपको बहुत जितना एफर्ट डालोगे सर राइट तो आपके दोनों वॉच में कॉमन इसलिए मैंने बताया ये वॉच भी वैसी है और पहली मतलब लेफ्ट की वॉच भी वैसी है और ब्लू वाली वॉच भी वैसी है दोनों में क्या एफर्ट्स बहुत ट्रिमेंडस एफर्ट्स है पर उसका जो रिजल्ट है नहीं। वो नहीं है इनफैक्ट कई बार तो आप बोल दोगे और एफर्ट्स भी डालोगे दोनों में नहीं, कुछ कमी नहीं, नहीं, नहीं रहेगी लेकिन जो आपको मिलेगा जो रिजल्ट उसका आएगा वो साधारण सा आएगा आप बोलेंगे यार मतलब इसके तुलना में ये क्या है ठीक है हाँ सर आ, उनका नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है कई बार नहीं, नहीं, नहीं आप ना बहुत अच्छा मार्केटिंग भी कर सकते हो अगर आपको पता नहीं है यू आर वेरी गुड एज अ मार्केटिंग आप किसी को कुछ रेकमेंड करना है किसी को कुछ समझाना है तो यू आर द पर्सन हु शुड डू इट ओके और कई बार आप अपनी खुद की जरूरतों की तरफ ध्यान ना देते हुए दूसरों के बारे में ज्यादा काम कर रहे हो वो भी इसमें दिखता है लॉट ऑफ टाइम यू आर नॉट एब्सोल्युटली या वेरी ट्रू आई मीन सीरियसली मैं बेटा एस्टनिश्ड हो सर ये सुन के कि आप ये एकदम वन से पता चल रहा है

इसको इसको वीडियोस मेरे गुजर जाने के बाद भी लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को और करेंगे क्योंकि मैं तो अभी एस्ट्रोलॉजी से बोला जाएगा कि सुधीर ने इन्वेंट किया लेकिन सच बात ऐसी मुझको ना लकीली मेरे हाथ में आया आई वॉज है राइट प्लेस एट दू रिस आज भी जब आप प्रश्न पूछते हो ना तो कई बार लोग मेरे को पूछते हैं जैसे अचानक से सोलर वॉच का किसी ने पूछ लिया था एक क्लास के दौरान तो एक एक ने रेडियम वॉच का पूछ लिया किसी ने वॉल वॉल के ऊपर वो जो प्रोजेक्टर वॉच उसका पूछ लिया तो फ्रेंकली स्पीकिंग उसके पहले मैंने कभी इन वॉच के बारे में कभी सोचा ही नहीं था लाइफ में लेकिन लेकिन जब मैंने वो एनालिसिस किया तो लोगों को वो एनालिसिस पसंद भी आया करेक्ट भी था और मेरे पास वो एनालिसिस उसी मोड पे आया भी मैंने बोलने की कोशिश की और मुंह में किसी ने शब्द डाल दिए hmm. तो कहने का ये मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस बता रहा मैं मैं कि मैं, मैंने बात करने okay. के लिए मुंह खोला और शब्द आ गए अपने आप तो ये ग्रेस है समबड़ी एल्स इज वर्किंग बिहाइंड मी जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है लेकिन हिस्ट्री में तो मेरा नाम जाएगा लेकिन दिस इज दिस इज वॉट इट इज तो मैं क्रेडिट नहीं लूंगा मैं यही बोलूंगा कि भगवान की दया कि आप सभी का एनालिसिस करेक्ट होता है ठीक है चलिए तो हाउ मेनी आर देयर टू लर्न अबाउट इट कि थोड़ा बहुत मुझको भी पता चले थैंक यू सर वेरी वेलकम थोड़ा बहुत मुझको uh, पता sorry. चले इंस्टेड ऑफ द पीपल इस वॉच में कहीं कोई सर वन क्वेश्चन यस बोलिए बोलिए सर जस्ट वांटिंग टू नो कि इस वॉच रिस्ट वॉच के एनालिसिस के साथ साथ इसमें थेरेपीज भी होती हैं सर हंड्रेड परसेंट ऐसी चीजें हंड्रेड परसेंट आपकी आपका इशू क्या पता है कि आपके इतने बड़े बड़े कनेक्ट्स हैं इतने कॉन्टेक्ट्स हैं आप बहुत मुश्किल से उनको यूज कर पाते हो बात को आ, हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि be, uh, get, हाँ, है कि आई बी टेकिंग फ्रॉम वही गलत ना वो बनते किसके लिए रिलेशनशिप <laughs> बनते किसके लिए एडवांटेज <laughs> लेने के लिए आप अपने <laughs> हस्बैंड से मैरिड हो कि नहीं यू आर मैरिड

आपने हस्बैंड का एनालाइज किया मेरा बाकी हाँ। है आपका रह गया क्या ठीक है ठीक है कौन सा है एक मिनट रुको हाँ सर वन टू नाइन पे भेजा ना हाँ जी क्या वो दोनों सेम सेम वॉचेस थे ना तो आई जस्ट स्टार्ट टू मेरे हिसाब से सेम ही एनालिसिस हाँ देगा पहले देख लेते तो हैं एक मिनी जी का हो गया है और I don't see your watch. Can you send it again? I don't know. Couple watches, sir. Jo aapne starting of the session. Ha, but I'm not able to find it now. I don't know. A lot of people have sent the message in Did I send you again? Yes, please. Okay, sir. ओके सो देन वी ऑल्सो हेव समीपल हु आप हो आप अवेलेबल हो भरत जी भरत जी देर भरत कुंद्रा आप हो अवेलेबल ठीक है आपका वॉच आया था आई विल पास इट ऑन ठीक है गीतिका बारबर आप हो available gitika ji are you there uh, gitika babar she is also not there tanu are you there tanu babar she is also not there fine so we don't have these people we will move on sir i've sent it again ha ah, theek rajni yes yeah.

आप ज्यादा रिस्क नहीं लोगे लाइफ में आप बहुत सेफ रहोगे सेफ्टी आपको ज्यादा पसंद रहेगा रहेगा यू यू विल विल लुक आउट फॉर योर आप कंफर्टेबल तो भी चीज करोगे कंफर्टेबल रहेगा तो ही बात करोगे कंफर्ट वाला इंसान रहेगा तो इससे रिलेशनशिप रखोगे कंफर्ट वाला काम रहेगा तो ही करोगे यू डोंट वांट टू टेक ऑफ रिस्क इन लाइफ दैट इज व्हाट यू आर वाचिंग लेकिन जो काम हाथ में लोगे उसमें एफर्ट्स बहुत डालोगे ठीक है जो भी बिल्कुल सही है ठीक है तो वही आपके वॉच का बाकी सब तो आपके हस्बैंड का लागू होता है प्लस ये आपका एक्स्ट्रा हो गया उसमें ठीक है ओके ओके सर वेलकम सो नाउ आई आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस फ्यू टिप्स बिकॉज़ वी वी पीपल ओवर फेसबुक एंड हियर आर टिप्स देखिए कैसे किसी की भी वॉच को अपने एनालिसिस करना चाहिए अगर आपको दिखता है कि कोई इंसान जरूरत से बड़ा वॉच पहना हुआ है उसके हाथ में वॉच बहुत बड़ा है बहुत बड़ा दिखता है उसका साइज बहुत है उसका रिस से भी वो बाहर जा रहा है तो ऐसे वॉचेस पहनने वाले लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं और झूठी कमिटमेंट देते हैं और काम को कंप्लीट नहीं करते अंडरस्टूड? जो भी इंसान बहुत बड़ा वॉच पहनता है दोज आर दीपल हु विल शो ऑफ अलॉट बहुत शो ऑफ करेंगे झूठी गवाही देंगे झूठी कमिटमेंट करेंगे और काम को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे एनी कंफ्यूजन विद दिस ये टिप नंबर वन टिप नंबर टू जिन किसी वॉच में आपको रोमन नंबर दिखते हैं जिन किसी वॉच में आपको रोमन नंबर दिखते ये लोग स्ट्रेंजर्स के साथ आसानी से बात कर सकते ऑल द पीपल हु इन देयर रिस्ट वॉचेस दीज पीपल फाइंड वेरी कंफर्टेबल टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स अनजान लोगों के साथ बात करने में ये लोगों में बहुत सहजता होती है समझा सभी को ठीक है अब लास्ट नॉट द लीस्ट टिप है आप सबके लिए जो भी लोग मेटल बेल्ट यूज करते हैं मेटल बेल्ट वॉच में जिनका बेल्ट मेटल करता है इन लोग इन लोगों के पास कभी भी रिलेशनशिप में प्यार की कमी होती है कभी भी जो भी ये रिलेशनशिप बनाएंगे जो फ्रेंडशिप बनाएंगे जो भी ये काम करेंगे उसमें गहराई कम होती है प्यार कम होता है रिलेशनशिप अच्छी होती है लेकिन उसमें गहराई और प्यार ये दोनों चीजें कम हो जाती है अंडरस्टूड तो ये तीन टिप थे आप सभी के लिए एंड आई होप यू गाइज एंजॉय टूडेज स्मॉल इंटरैक्शन विथ मी Regarding the मेरे हिसाब से मैंने सभी का दिया आपको कुछ कोर्स के बारे में पूछना और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ये चीज सीखो और अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए उसको यूज करो फॉर एग्जाम्पल मैरिज के लिए आप यूज कर सकते हो है ना पूजा जी अभी मैं आपको देखो कोर्स की डिटेल्स आप मेरे नंबर पे पिंग कर दीजिए क्या मैं आपको ये नंबर पे पिंग कर दीजिए नाइन वन सेवन फाइव नाइन फाइव वन सेवन टू नाइन तो ये नंबर पे आप पिंग कीजिए व्हाट्सएप पे मैं आपको कोर्स की डिटेल्स भेज देता हूँ मैं आपको सिलेबस भेज देता हूँ टाइमिंग भेज देता हूँ और जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको हम लोग एक राइट काइंड ऑफ ग्रुप में ऐड करेंगे और उमिका उमिका कृष्णन जो है है ना ये हमारी एक मिनट हाँ उमिका पुष्पा कृष्णा राइट right में तो ये इन्होंने ऑलरेडी ये सीखा है हमसे अगर आप कुछ बोलना चाहो तो यू आर यू कैन स्पीक उमिका जी इफ यू वांट टू से लास्ट बैच में ये थे पार्टिसिपेंट नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते एवरीबॉडी यस हेलो आई हियर या या आपका आवाज आ रहा है बाकी सब लोग म्यूट पे हैं बोलिए ना हाँ अमेजिंग कोर्स है सर का बहुत बढ़िया सिखाते हैं और जिसको भी मैंने दिया है रिस्ट उनको रिजल्ट भी अच्छे बहुत मिले हैं बहुत बढ़िया सिखाते है, सर। हैं सर लॉजिकली पूरा समझाते हैं थैंक यू सर थैंक यू सो मच किसी को कुछ पूछना है तो उनको पूछिए यही एक स्टूडेंट है जिन्होंने ज्वाइन किया इफ बेहतर है कि आप इसमें एडवांटेज क्या है कि आपकी लाइफ में अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो उसके ना होने का रीजन क्या है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमने जब रिसवॉर्च एनालिसिस को चालू किया सिखाना तो जिनके नंबर्स में प्रॉब्लम है उनके रिसवॉर्च में भी प्रॉब्लम है जिनकी कुंडली में प्रॉब्लम है उनका भी रिस्वॉर्च जो है कुंडली के सबसे प्रॉब्लमेटिक रहता है तो ये कहीं ना कहीं अगर आप जब रिस्टवॉच बदलते हो तो कुंडली के ग्रह को भी आपका सपोर्ट मिलता है न्यूमरोलॉजी का भी आपको सपोर्ट मिलता है तो उसी तरह से हम सिखाने भी वाले आपको कि ताकि आपको वो समझे कि कौन से ग्रह किधर स्ट्रॉग है कैसे हमने आपकी रिसर्च को यूज करना है ठीक है मैं आपको सभी को एक कोर्स की डिटेल्स जो है मैं दिखा देता हूं यहाँ पे भी आई थिंक आई हैव डिटेल्स ऑफ आर ready to take action okay to iska value bahut hai ye course jo hai na lot of people will say are investment hai ye hai wo hai but iska jo value iski jo returns hai wo bade fantastic hai so it it is always about what you get in return is more important than anything else to dekhiye ye sab syllabus hai जहाँ पे financial लॉस को में कोई जा रहा है stress में कोई जा रहा है तो उसके लिए क्या वॉच होना चाहिए गवर्नमेंट में डॉक्यूमेंट अटका है डॉक्यूमेंट बाहर नहीं निकल रहा है वीजा क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या वॉच होना चाहिए फैमिली के लोग मदद नहीं कर रहे फैमिली में बहुत तकलीफें जा रही है फैमिली के लोगों में इश्यूज है तो फैमिली की हेल्प के लिए कौन सा वॉच रहना चाहिए लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है लाइफ पार्टनर के लिए कैसे किस तरह का वॉच होना चाहिए पढ़ाई में अच्छे मार्क्स मिलने के लिए आपने किस तरह का वॉच पहनना चाहिए ठीक है फिर रिलेशनशिप वाइफ के साथ इंप्रूव करना है तो कौन सा वॉच हस्बैंड के साथ इंप्रूव करना है तो कौन सा वॉच विच ब्रिंग्स प्रोजेक्ट अगर आपको बहुत बड़ा काम चाहिए लाइफ में तो वो किस तरह का वॉच आपने पहनना चाहिए ताकि आपको उस तरह का काम आपकी लाइफ में आए तो ऐसे बहुत सारी चीजें यू नो you know, कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो क्या प्रमोशन चाहिए तो क्या जैसे आपने देखा कि एक व्यक्ति को प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी मिला था तो उसको क्यों प्रमोशन मिला क्या रीजन थे उसके रिसर्च में ऐसा कि उसके उसको प्रमोशन मिल रहा है तो ऐसे काफी सारी चीज़ें आप जानोगे जो कि देखो एक चीज़ ना अपने आप में आपके लिए एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की कि किसी और को मदद करो आप ठीक है तो आई वुड लाइक यू ऑल टू लर्न दिस बिलीव मी दिस इज द दिस इज द टाइम वेर यू कैन लर्न इट एट वेरी चीपेस्ट कॉस्ट जैसे जैसे आपने देखा रहेगा कि एक जमाने में वी वी वर टीचिंग दिस एट वन पॉइंट फाइव के डेढ़ हजार में हमने सिखाया था उसके बाद इसमें इतना एडवांसमेंट हुआ इतना कुछ इसमें एडिशन हुआ, हुआ ये कोर्स डेढ़ घंटे से अभी पच्चीस तीस घंटे का हो गया आगे भी इसका आर एनडी चल रहा है तो हो सकता है आगे जो के क्योंकि हम जब भी, भी सिखाते हैं तो लेवल वन और लेवल और करके नहीं सिखाते हम पूरा एक साथ दे देते ताकि इंसान मार्केट में जाके काम कर पाए तो आप जो सीखोगे ना ये द लोएस्ट या बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका इसके आप भी जो भी सीखने वाले हो उसमें इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा ही जाने वाला है यू मेक श्योर दैट यू डू द कोर्स राइट नाउ और द द कोर्स वैल्यू विल कीप राइजिंग इन फ्यूचर ओके एनी लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज ओके okay, पूजा जी जी शर्मा आई होप क्या वॉल क्लॉक के लिए भी होती है कि चाहिए भी हुँ। तो भी हैं कि हमारे रूम में कैसे बेडरूम yes, yes. में कैसे होना चाहिए बेडरूम में okay. आपने कभी भी पेंडुलम वॉच नहीं लगाना चाहिए ठीक है पेंडुलम वॉच लगाएंगे तो आपको जो बेडरूम की जो एडवांटेज है वो नहीं मिल पाएंगे तो बेडरूम में अवॉइड करना चाहिए तो फिर किस तरह का वॉच होना चाहिए? अगर हॉल में आपने किसी तरह का वॉच लगाए तो क्या होगा किचन में एक पर्टिकुलर तरह का कुक अच्छा काम नहीं करता था तो उन्होंने किचन mm -hmm. में एक अलग तरह का वॉच लगाना चालू किया तो उनका कुक ने सुधर गया उनका तो हर जगह पे आप है ना आप फंक्शन में जा रहे हो तो किस तरह का रिस्ट वॉच पहने घर पे बैठने वाले हो तो किस तरह का रिस्ट वॉच पहने एक्सरसाइज करने वाले हो तो किस तरह का रिस्ट वॉच पहने सभी के रूल से हो सकता है आपका एक रिस्ट सभी के लिए काम में आ जाए या आपको अलग अलग रिस्ट लेना पड़े डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट पर हर एक रिक्वायरमेंट के लिए अलग रिस्ट आपको मिल सकता है ओके ओके थैंक यू सर वेलकम तो आप में से कितने लोग जो है ज्वाइन करने वाले हम लोगों को कल शाम को नौ बजे हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू साइन अप एंड स्टार्ट यूर जर्नी एनालिस्ट मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू लर्न दिस टूमारो वी ऑलरेडी गॉट अराउंड 15 पीपल बट अवर टारगेट इज टू गेट फाइव मोर हम लोग देख रहे हैं कि 20 हो जाए क्योंकि बीस का बैच हम जनरली चलाते हैं और बाकी आपके हाथ में आप लोग सीखना तो सीख लीजिए दिस इज द राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी पूनम ज्वाइन कर रहे ठीक है पूनम जी आप मैसेज डाल के रखिएगा इस नंबर पे नाइन वन सेवन फाइव नाइन फाइव वन सेवन टू नाइन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर टेकिंग दिस अमेजिंग स्टेप इन योर लाइफ एंड आई 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 यू दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय इट द एट द कोर एंड यू विल बी एबल टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल

मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि आप जिस किस तरह का आप गहना पहनते हो तो उसका क्या मीनिंग होता है कंगन किस तरह के पहनोगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा गले में जो पहनोगे उसका, पहन उसका क्या रिजल्ट आएगा उंगलियों में जो पहनोगे उसका क्या रिजल्ट आएगा पैर में आप काला धागा पहनते हो सफेद धागा पहनते हो उसका क्या रिजल्ट आएगा है ना कौन ये सभी चीजें भी हम लोग डिस्कस करने वाले और आपने गलती से बहुत सारे धागे पहन लिए राइट हैंड साइड पे या फिर माला पहन लिया तुलसी का तो आपको क्या आपकी लाइफ में क्या चीजें होंगी ये भी इस चीज का इस कोर्स का पार्ट है तो ये भी आपको सीखने को मिलेगा ठीक है आप बिंदी लगाती हो तो इसका क्या मीनिंग है वो क्या होगा किस तरह का असर आपको लाइफ में आएगा ये सभी चीजें आपको डिस्कशन में सिखाने वाले हम लोग तो आई होप इट विल हेल्प यू टू टेक डिसीजन टू जॉइन द कोर्स मेन वेल थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग सी यू सीन टूम पी एम आई विल बी वेटिंग फॉर यू बाय फॉर नो थैंक यू सर थैंक यू thank you so much well thank you many